तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की 81 सीटों के लिए सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल सामने आ चुका है। जनता किसके साथ है आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के इतिहास के बारे में, क्योंकि झारखंड का इतिहास आपको पता होना चाहिए। आखिरकार कब किसकी सरकार रही है और किस दम पर सरकार बनी है, कितने गठबंधन रहे हैं और किसके साथ किसकी सरकार रही है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर बात करें तो सन 2000 में से राज्य का गठन हुआ। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ झारखंड के अंदर आते हैं और इस राज्य को बिहार से अलग करने का काम अगर किसी दल ने किया है वो है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस दल का बड़ा योगदान इस राज्य को बिहार से अलग करने में रहा है। अगर बात करें तो सबसे पहले BJP की सरकार बनी, लेकिन पूरे 5 साल नहीं चली। विधानसभा चुनाव 2005 में किए गए, ऐसे में BJP ने यहां पर 30 सीटें हासिल की। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर JDU ने 6 सीटें हासिल की। अगर यहां पर आपको JMM दिखाएं तो 17 सीटें यहां पर JMM ने हासिल की और कांग्रेस ने यहां पर 9 सीटें हासिल की। इसके बाद अगर बात करें तो RJD ने यहाँ पर 7 सीटें दर्ज की, अन्य के खाते में यहाँ पर 12 सीटें गईं। तो पूर्ण बहुमत इस बार भी किसी को नहीं मिला और 4 मुख्यमंत्री इस बार रहे हैं और अंत में राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन 2009 के आंकड़े क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव 2000 के लिए, तो अगर BJP की बात करें तो BJP यहाँ पर 18 सीटें मिली और यहाँ पर अगर बात करें JMM को भी 18 सीटें यहाँ पर मिली, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को 14 सीटें आपकी बार मिली। इसके बाद अगर बात करें JVM की तो यहाँ पर 11 सीटें इनको मिली और यहाँ पर AGS जो पार्टी उसको 5 सीट मिली, लेकिन अन्य के खाते में और RJD के खाते में 5 और अन्य के खाते में यहाँ पर 8 सीट मिली। लेकिन इस बार भी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और यहाँ पर JMM और BJP प्लस AGS जो पार्टी है उस गठबंधन से सरकार बनी, लेकिन जो सिब्बू सोरेन है वो काफी समय तक CM पद पर नहीं रह चुके और यहाँ पर BJP ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद हेमंत सोरेन यहाँ पर 13 जुलाई 2013 को एक बार फिर से CM कांग्रेस की मदद से यहाँ पर CM बने। तो ये है 2009 के आंकड़े। अब आपको दिखाते हैं 2014 के क्या रहे हैं आंकड़े। 2014 की अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो विधानसभा चुनाव किए गए और इस बार यहां पर मोदी सरकार की अगुवाई में इस बार BJP ने चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे क्या रहे, BJP इस बार भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 6 सीटों पर आ चुकी और JMM जो बड़ा दल है 19 सीटें दल ने हासिल की और यहाँ पर AGS जो पार्टी है उसने 5 सीट हासिल की और यहाँ पर JBM को 8 सीटें इस बार मिली और यहाँ पर बाकी सीटें अन्य के खाते में गई। लेकिन इस बार भी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और BJP प्लस AGS पार्टी के गठबंधन के बाद रघुबर दास सरकार बनी। लेकिन इस सरकार की खास बात ये रही कि इस सरकार ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और रघुबर दास वो CM है जिन्होंने झारखंड के अंदर पूरे 5 साल तक कार्य किया है। लेकिन 2019 के लिए क्या आंकड़े आते हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी अब BJP से अलग हो चुकी है और 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। BJP से अलग हुई AGS पार्टी भी इस बार 26 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने जा रही है और अगर बात करें BJP के लिए तो BJP 80 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अमित शाह का ऐलान हो चुका है 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एक सीट BJP ने निर्दलीय के लिए छोड़ी है। लेकिन बात करें JBM जो बड़ा दल है और इस दल को इस बार एक मजबूत दल माना जा रहा है, क्योंकि JMM कांग्रेस और RJD के बीच एक बड़ा यहां पर गठबंधन है और अनुमान है कि इस गठबंधन को इस बार सक्सेस मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड विकास मोर्चा भी अलग से चुनाव लड़ेगा और यहां पर 50 सीटों पर इन्होंने भी ऐलान कर दिया है। अगर झारखंड के इतिहास की बात करें तो अब तक किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड के अंदर नहीं बनी है।
ऐसे में बीजेपी का अब की बार का नारा कि अब की बार 65 पार। हालांकि रघुवर दास की अगुवाई में बीजेपी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और ऐसा करने वाली बीजेपी एकमात्र दल रही है। लेकिन 2019 के लिए एग्जिट पोल के क्या आंकड़े कहते हैं? इस बार के आंकड़े जेएमएम को इस बार जो है सरकार बना सकती है 45 सीटें। इस बार जे कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसको मिल सकती है। वहीं जेबीएम 2 सीटों पर, एजीएस जो पार्टी उसको 4 सीट मिल सकते हैं। बीजेपी की बात करें तो 27 सीटें इस बार बीजेपी को मिलने का अनुमान है और अदर के लिए 3 सीट मिल सकती हैं। तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है। फाइनल आंकड़े आपको 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं, जो अन्य चैनल के एग्जिट पोल है उसके अनुसार मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या झारखंड के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी या बीजेपी वापसी करेगी? जो नारा है बीजेपी का कि अब की बार 65 पार, क्या इसको बीजेपी साबित कर पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।